हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी किचन में हूँ और मैं जा रही थी चाय, भाई कुछ पी नहीं, टाइम तो बहुत हो गया है। पानी में बर्फ जम गया था, पानी निकाल के लाई थी। और मैं जा रही हूँ चाय पानी पीने, कुछ बहुत लेट हो गया है आज। मम्मी जा रही है छत पे कपड़े लेके। तो गाइस, यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ आलू बॉयल होने के लिए, इंजेक्शन पे रख दूँगी। आज बनेगा आलू और टमाटर की सब्जी, भंडारे वाली और पूड़ी। और देखते हैं चावल बनता है या फिर नहीं। भाई लगा देते हैं सीटी। तो यहाँ पे गाइस मम्मी खटाई बना रही है सूखी वाली, इसमें मिला है नमक। और क्या मिला है मम्मी? मिर्चा, नमक और मिर्चा। इसको जा रही डालने धूप में, गर्म पानी में पहले भिगाई है, रात भर भीगा है, उसके बाद में नमक और मिर्चा मिलाई है। अभी सूखेगा फिर हम लोग इसको खाएंगे। तो गाइस सिटी आ जाए तब तक मैं कर लेती हूँ इसको कट पिट कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, फिट नहीं करूँगी। इतनी सारी यहाँ पे पन्नी रखी हुई है कूड़ा भरने के लिए, मम्मी रखती हैं इकट्ठा करके, उनका काम है रखना। ये वाला फूल ये, और यहाँ पे पड़ी है सूखी खटाई कपड़े। तो गाइज़ मैं कल फिर से मेला गई थी, तो मैं वहाँ से ये वाला कप लेके आई, मुझे अच्छा लग रहा तो मैंने सोचा मैं ये भी ले लेती हूँ। 6 कप हैं मतलब कि एक सेट ही है, बट मुझे अच्छा लगा ये, मतलब वो 6 कप 70 रुपये के हैं, अच्छे लग रहे तो मैंने ले लिया। और मैं थोड़ा वो सामान गले का और कान का लेके आई थी, तो नीचे ऑफिस में रखा हुआ है, तो मैं नीचे जाऊँगी तब दिखाऊँगी। फिलहाल अभी मैं छत पर हूँ, तो सामान मैं नीचे ही छोड़ाई थी। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो बताइएगा कि मेला का भी सामान अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कट कर लिया प्याज और लहसुन छील लिया है, अब इसको मोटा मोटा थोड़ा सा कूट लेंगे, आधा प्याज और लहसुन, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। तो गाइस यहाँ पे लहसुन प्याज हो गया है, इसमें डाल देते हैं टमाटर। गिर गया यार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गैस डिब्बे में नमक खत्म हो गया है, तो हम नमक डाल देते हैं डिब्बे में। मम्मी यहाँ पे गाइस मैंने रेडी कर लिया खट्टा और तीखा प्याज, नींबू डाला है हमने पिसी खटाई भी थोड़ी सी डाली है, नमक मिर्चा डाला है, नींबू भी डाला है थोड़ा सा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया है, यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे, इतनी छोटी छोटी। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेंसिल रोल, और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, इसमें बता देते हैं क्या क्या पड़ा है। इसमें थोड़ा सा रवा पड़ा है, बेसन भी पड़ा है, बेसन ज़्यादा पड़ा है, रवा बस छोटी सी कटोरी भर के पड़ी है। और यहाँ पे मैंने 2-4 रोल बना भी लिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसको, बेल लूँगी अच्छे से, फिर इसे पेंसिल से मोड़ लूँगी इसी पेन से। और इसके अंदर कौन कौन सा मसाला है वो बता देते हैं। इसके अंदर है हींग और थोड़ी सी पिसी खटाई और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कस्तूरी मेथी और हाँ हींग तो मैंने बता ही दिया। हाँ तो इतना सारा सामान इसके अंदर है। फिर मैंने इसको थोड़ा टाइट टाइट डो बना लिया है इसे, ताकि ये अच्छे से बेल जाए, पतली पतली पूड़ी, इसमें रवा हल्का हल्का दिख भी रहा होगा। और 1 घंटा हो गया आटा मिला के, मैंने ढक के रख दिया था, अब यहाँ पे मैं रोल कर रही हूँ, बना रही हूँ, फिर उसके बाद में इसको करेंगे बॉयल। तो पहले रोल बना लेते हैं।
यहाँ पे मैंने पतली पतली पूरी बेल लिया है, उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे पेन और इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से। अब पेन को निकाल देंगे, इसी टाइप से बनाना है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने पेन निकाल दिया और इस टाइप से बन गया है। गाइस सब कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दें पानी और थोड़ा सा डाल दिए इसमें तेल। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं ये सारे रोल। बॉयल कर लेंगे पहले इसको, इसी के अंदर डाल देंगे अच्छे से। सारे रोल में डाल दिए हैं, इसको अपने ढक अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे मैंने बॉयल करके रख दिया है। अब पहले यहाँ सारा कुछ क्लियर कर दिया है, ये सारा कुछ दूध भी मैंने अभी जस्ट गर्म करके रखा है, खाना खाली करके इधर रख दिया। इसमें बनेगी चाय प्लेट, हटाएंगे अभी तो इसको हटाएंगे। और सारा कुछ यहाँ पे मैंने क्लीन किया है, सारा सामान बाहर निकाल के रखा है, इसको अभी सेट करेंगे। गैस भी मैंने क्लीन कर लिया है, पहले करेंगे काम, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। ये देखिए सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाहर खाना खाया वैसे बर्तन पड़ा है, ये भी खाना बिना हुआ है। सब लोगों ने खाना वाना खा लिया, इतनी सड़ी गर्मी है तो मैंने सोचा मैं अभी इसको बना के रख देती हूँ पेंसिल रोल, ताकि मैं शाम को चाय बनाऊंगी तब इसको मैं बनाऊंगी। अभी बस सबसे बड़ा काम यही था कि उसको बेलना, रोल करना, उबाल के रखना, तो वो सारा काम मैंने कर लिया है। अब करेंगे बर्तन क्लीन सारा क्या है, फिर मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आप लोग बने रहिए ऐसे कंटिन्यू हमारे वीडियो में, और बताइएगा कि ये पेंसिल रोल कैसा बना और आप लोग कैसे बनाते, मैं किस तरह बना रही हूँ, थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है एक दूसरे में। तो पहले कर लेते हैं काम, क्योंकि काम पड़ा हुआ है तो बहुत टेंशन है, और बाल भी मैंने नहीं, छोटी कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही काम में सुबह से लगे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले काम कर लेते हैं और नहा के रेडी हो जाती है, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में और जा रही हूँ इसको बनाने। पहले इसको कट कर लेते हैं, ये पहले इसको कट करेंगे, फिर इसको मसाले में फ्राई करेंगे। कौन कौन से मसाले डालते हैं वो भी दिखा रहे हैं आपको। सारे बर्तन क्लीन हो गए, पानी वानी सारा फ्रीज में लग गया, और अब चल के मसाला मैंने इकट्ठा कर लिया है। लहसुन प्याज करना है सिर्फ बस, और देखते हैं क्या क्या पड़ता है वो हम आपको दिखाएंगे। गाइस यहाँ पे मैंने लिया लहसुन एक और दो प्याज, और यहाँ पे मैंने रोल को कट कर लिया है, और यहाँ मैंने भिगा दिया था थोड़ी सी खटाई, क्योंकि खटाई का पानी इसके ऊपर से जाएगा, थोड़ा खट्टापन भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इधर मेरे मसाले भी निकाल के रख लिए हैं फटाफट, पहले इसको हम बनाते हैं। इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मसाले में, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। इस साइड में बना रही हूँ चाय इंडक्शन पे, चाय चढ़ा दिया है, तो मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं ये रोल, अब इसे भी हमको बहुत अच्छे से भूनना है, और इसमें डाल देंगे खटाई वाला पानी थोड़ा सा। मीठा है कि खट्टा है? नहीं खट्टा, खट्टा नहीं है, नहीं। मीठा है नहीं। तो गाइज इनके पापा लेके आए पेठा, जो कि इनको बहुत पसंद है, वो सबको खिला रही है, खुद खा रही है, मुझे भी कह रही है खा लो। ठीक है बाय बाय कर दो, बाय, कल मिलेंगे, बाय। हेलो गाइज, कल मिलेंगे, मिलूंगी बोलो, मिलूंगा नहीं मिलूंगी, बाय बाय, गुड नाइट। यहाँ आके बाय बोलो, यहाँ बाय बोलो, बाय बाय बोलो ना, नहीं बोलना आपको बाय। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छी अच्छी बातें कर लो, बाय बाय।